तो आज हमने वर्ल्ड हेल्थ डे एक रैली के रूप में पूरी बाजार में ताकि लोगों को पता चले अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए और सेहत से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठाया जाए और वही स्कीम्स हम हाईलाइट कर रहे हैं इस रैली में और अपने सेहत पे। इस साल का सेहत का है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ जो इस साल की थीम है हमारे वर्ल्ड हेल्थ डे की इस साल के लिए। तो इसमें से हम जो इसमें स्लोगन है उसका ये है कि हम शुद्ध हवा दें लोगों को, शुद्ध पानी दे लोगों को और शुद्ध खाना दे लोगों को और इस चीज़ पे स्ट्रेस रहे जिससे हेल्थ रहे लोगों का। सही गोल्डन कार्ड बना रहे हैं सर लोग? हाँ, गोल्डन कार्ड भी बन रहा है और पहले से तेज़ी से बन रहा है। तो ये भी हम अभी इसी तरह से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं उस चीज़ के लिए भी कि गोल्डन कार्ड से भी उनका जो लोग अब जैसे स्लोगन में आपने सुना होगा कि अब ना रहेगा कोई लाचार, गोल्डन कार्ड से होगा सबका उपचार। तो ये एक प्रचार है गोल्डन कार्ड के लिए कि ताकि लोग गोल्डन कार्ड बनाएं और उसका बेनिफिट है कि 5 लाख रुपए तक का एक फैमिली को एक साल का बेनिफिट मिल जाता है उसके तहत। टीबी सर कम हुआ है कुछ देर तक? टीबी के लिए भी हम उसी जो वो भी एक अहम स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसपे फोकस है अभी। तो हम टीबी के पेशेंट्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग टीबी के पेशेंटों को घर में नहीं छुपाए, सामने आए, क्योंकि जब छुपाते हैं तो वही टीबी के पेशेंट और लोगों को फैलाते हैं टीबी। हम चाहते हैं कि टीबी के पेशेंट का डिटेक्शन हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, जब उसका इलाज होता है तो वो दूसरों को नहीं फैला सकता है और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी यानी उनका अपना जो प्राइवेसी है वो सारी बरकरार रहती है। तो वही स्कीम्स हम हाईलाइट कर रहे हैं आज इस रैली के जरिए पौनी बाजार। सर एक बंदे से दूसरे बंदे को टीबी कैसे होता है? देखो जब क्लोज कांटेक्ट में होता है, टीबी का जरासीम जो होता है जब बातें करते हैं खांसते हैं ठीक है ना, तो वो बाहर निकल जाते हैं। जो क्लोज में रहते हैं तो उनको लग सकता है, लॉन्ग एक्सपोजर से लग सकता है, इसमें ज़्यादा देर तक अगर उसके साथ रहे तो। तभी हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट, जो अगर किसी को है तो वो उसका हम जब स्क्रीनिंग करते हैं पता चलेगा कि अगर किसी को है तो उसको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। दवाई जब स्टार्ट करेगा ना 2 हफ्ते के बाद ही वो दूसरे लोगों को फिर इन्फेक्शस नहीं होता, फिर आराम से दूसरे किसी और को चांस नहीं है लगने का, फिट हो जाएगा बंदा। हाँ, तो फिर बंदा जब कोर्स पूरा करेगा, कोर्स उसके लिए दवाई का पूरा, अपने आप को सेहत करने के लिए, ठीक करने के लिए दवाई का पूरा कोर्स करना है, बीच में नहीं छोड़नी है दवाई, लेकिन दूसरों को लिए वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है, वो 2 हफ्ते के बाद ही नहीं रहता जब ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, सारे लोगों में फैलने से रुक जाता है।